अब प्रशासन ने सीआरपीएफ से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग शरद महोत्सव के समय एक शस्त्र प्रदर्शनी लगाएं। तो हमने सोचा कि सीआरपी तो विश्व की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में क्यों ना एक अच्छी तरह से प्रदर्शनी लगाई जाए। तो हमने मुख्य फोकस इसमें ना केवल हमने शस्त्रों का प्रदर्शनी की, बल्कि सीआरपीएफ में जितने मुख्य शहीद हमारे जवान और अधिकारी थे उनका बस्ट भी लगाया गया, और अमर जवान ज्योति जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसको भी यहाँ चरितार्थ किया। इसके साथ साथ हमने रैपिड एक्शन फोर्स, जो आप जानते हैं कि जब भी दंगा नियंत्रण के लिए ये फोर्स बनाई गई थी, वो किस तरह के नॉन लीथल वेपन उपयोग करते हैं जिसमें केवल हल्की सी आपको असुविधा होती है और जो भी क्राउड होता है वो डिस्पर्स हो जाता है। तो मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आबू की जनता ने और यहाँ जो भी शरद महोत्सव में विजिटर्स आए थे उन्होंने बहुत इस चीज़ को पसंद किया और उन्हें अपने देश पर और ख़ासकर सीआरपीएफ पर भी गर्व हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना श्रेष्ठ कार्य कर ली। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इस प्रदर्शन के दौरान हमने कमलेश कुमारी का एक बस्त लगाया था। कमलेश कुमारी वो हैं जो कि पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था तो उसकी रक्षा के लिए शहीद हुए थे, इसके लिए उन्होंने अशोक चक्र मिला था। तो बहुत ही अच्छा ये शो रहा। इसके अलावा हमने अपने स्टॉल में विजिटर बुक भी रखी हुई थी, जो भी आगंतुक थे, विजिटर थे, उन्होंने भी सीआरपीएफ के बारे में और देश के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें दर्ज की। तो एक बार मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया ये प्रदर्शनी लगाने के लिए, और अगले साल जो भी प्रदर्शन होगा और अच्छा स्टॉल लगाएगी सीआरपीएफ। जय हिंद। abutimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around, news, hotel booking, advertisement and a lot more.